जय जिनेन दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है होममेड वेज मंचूरियन, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। आप देख भी सकते हैं कितना यम दिख रहा है। तो चलिए झटपट से देखते हैं इसे आप घर में आसानी से कैसे बनाएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक If you like my video and share among your loved ones, चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए वेज मंचूरियन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए है पत्ता गोभी, जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की पत्ता गोभी को आधा लगभग ले लिया है, उसे एकदम फाइनली चॉप किया। चाहे तो आप चॉपर से कर सकते हैं, नाइफ से कर सकते हैं। यह मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक फूड प्रोसेसर में किया है। तो ये लगभग 2 कप पत्ता गोभी है। इसमें मैं ये डालूंगी 1 कप, मतलब एक मीडियम साइज का चॉप्ड किया हुआ गाजर। इसमें अपनी पसंद की सब्जी आप डाल सकते हैं। फाइनली चॉप्ड बीन्स है ये 8 से 10 बीन्स है। ये भी मैंने अपने फूड प्रोसेसर में सबको अच्छे से चॉप कर लिया है। ये मैंने स्प्रिंग ओनियंस के जो ओनियंस होते हैं उससे चॉप किया है। और ये थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है किसा हुआ, ये भी ऑप्शनल है। आप चाहे तो डालिए, चाहे तो ना डालिए। आपको जो सब्जी पसंद है आप वो डाल सकते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी स्प्रिंग ओनियन कि ये जो ग्रीन वाले होते हैं ये, और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालूंगी क्योंकि काफी तीखी है। अब हम इन्हें सबसे अच्छे से मिक्स कर, मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। नमक इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, उसमें कम से कम ही नमक डालिए, वरना ये नमक डालने से सब्जी पानी छोड़ देगी और हमारे बॉल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसमें हम पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसमें ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर। मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ऐड करूंगी, कम ज्यादा आप ऐड कर सकते हैं। पहले मैं इसमें 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसे मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और ऐड करूंगी। तो ये आपके अकॉर्डिंग और आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी सब्जियां ली है, तो उसके हिसाब से आप 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच दोनों की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 3.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला। अब मैं ऐसे 3.5 चम्मच मैदा डालूंगी। आप कोई भी किसी स्पून ले लीजिए, उसके हिसाब से डालिए। ये देखिए ये हो गया हमारा मैदा। पहले मैंने अच्छे से मिक्स करने के लिए स्पून का यूज़ करूंगी, इसके बाद मैं हाथों से इसके बॉल्स बनाने की कोशिश करूंगी। मैंने ऑलरेडी गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल गरम करने रख दिया है। मैं आज ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई से भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान दीजिए कि आपको इसका अच्छा बढ़िया बॉल बन जाए। मुझे यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मैदा दोनों कम लग रहे हैं, तो मैं इसमें 1-1 चम्मच और ऐड करूंगी और फिर से अच्छे से मिक्स करूंगी। इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट डालना भूल गई थी, वो है गरम मसाला। तो मैं इसमें ये 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी। होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हैं। इसमें चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं थोड़े से लाल मिर्च, तो मैं थोड़ी ही ऐड करूंगी। अब हम इसे अच्छा मिक्स देंगे। ये देखिए इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आटा भी, मतलब मैदा नहीं होना चाहिए इसमें। अगर आप ज़्यादा मैदा या कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे। हमें क्रिस्पी नहीं, सॉफ्ट बॉल बनानी है। बस इस तरह से कंसिस्टेंसी हो कि जैसे आप पकौड़े बनाते हैं आप छोड़ सके हाथ से इजली। तो इसके आप फटाफट ऐसे तेल में डालते जाइए, ऐसे गोले बनाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम परफेक्ट राउंड शेप आए। तो बस इस तरह से बनाइए और डालिए। मेरा तेल गर्म हो गया, तो चलिए इसे हम तेल में फ्राई कर देते हैं। हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया है और आपको इसे गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये देखिए मेरे क्रिस्पी मंचूरियन बॉल्स बनके एकदम रेडी है। मेरे एकदम गोल शेप नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ, आप समझ सकते हैं, जो मैंने इसमें ग्रीन ओनियंस डाली थी और ओनियंस, वो देखिए वो ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी है, तो ये ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं। देखिए ये आप सुन सकते हैं इनकी क्रिस्पीनेस। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। और अगर आपको एकदम गोल शेप चाहिए तो आप एकदम फाइनली चॉप कीजिए हर वेजिटेबल को, फिर ऐड कीजिए। अब हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए। हमने पैन रख दिया है गरम करने के लिए।
अब मैं लूंगी ऑयल। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैं इसमें डालूंगी किसा हुआ अदरक। मैं इसमें लहसुन का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो डाल सकते हैं। ये थोड़े बड़े साइज के मैं अनियंस कट कर रही हूँ, बहुत बड़े नहीं किए क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और ये एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च है, ये भी मैंने बड़ी कट करी है। इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। वन टेबलस्पून सॉल्ट या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, थोड़ी सी ग्रीन अनियन और इन सबको थोड़ा सा हल्का सा पकने देंगे हल्के ब्राउन होने तक। मैं इसमें सीजन चटनी पूरी डाल दूंगी, 10 रुपीज का एक पैक है। और इसमें मैं डार्क सोया सॉस यूज कर रही हूँ, तो ये मैं सिर्फ 2 चम्मच डालूंगी। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जैसा कलर चाहिए। एक बड़ा चम्मच मैं टमाटो सॉस डाल रही हूँ, ये हॉट एंड सॉर है इसलिए मैं इसमें चिली नहीं डाल रही हूँ। तो आप चाहे तो चिली सॉस डाल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें ग्रीन चिली और ये सब डले हुए, तो ये ऑलरेडी बहुत तीखा हो गया होगा। अब मैं इसे 5 मिनट इसी तरह से पकने दूंगी, इसे ढक दूंगी, जल्दी पक जाएगा। ये देखिए ये बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें लगभग 3 बड़े कप या 700 ml पानी डालूंगी, तो ये मेरे पास मेजरिंग कप है, मैं इसे नाप के डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे अच्छे से बॉयल होने दूंगी, जब तक ये बॉयल होगा तब तक हम स्लरी, जो हमारी कॉर्नफ्लोर की स्लरी है, वो बना के रेडी कर लेते हैं। मेरे मंचूरियन बॉल ज़्यादा है तो मैंने 1 कप पानी इसमें और ऐड कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब इसे अच्छे से बॉयल होने दूंगी। हम लेंगे एक बॉल, इसमें मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, आपको इसे अच्छे से घोलना ताकि इसमें गुठलियां ना पड़े। आप कॉर्नफ्लोर की मात्रा भी कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा थिक ग्रेवी पसंद हो तो आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, पतली पसंद है तो आप 2 ही चम्मच डालिए। तो मेरा ज्यादा है, 4 कप वाटर है, उसके हिसाब से 3 स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। तो चलिए अब इसमें हम मिक्स कर देते हैं। ये देखिए इसमें अच्छा बॉयल्ड आ रहा है, हमारा कलर भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा है। अब इसे मैं अपने जो मैंने स्लरी बनाई थी कॉर्नफ्लोर पानी की, वो हम इसमें ऐड करेंगे। आपको इसे डालते से लगातार चलाते जाना है। ये देखिए हल्का हल्का थिक होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा एकदम मार्केट जैसा आया है। इसे आपको अच्छे से बॉयल करना है, पकाना है आपको कॉर्नफ्लोर को। इसमें अच्छी उबाल आ गई है, इसमें हम मंचूरियन के बॉल्स डाल देते हैं। मैं तो कुछ बॉल्स बचा सकते हैं ऐसे ही खाने के लिए। अब हम इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे ताकि जो हमारे मंचूरियन बॉल्स हैं ये अच्छे से ग्रेवी को सोक कर लें। इसे हम गार्निश करेंगे ग्रीन अनियन से। आप इसे इसी तरह गर्म गर्म सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी होता है खाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।